दोस्तों इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरे ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम को हार मिलने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने सूर्यकुमार यादव और संजू सैमसन को लेकर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे और निर्णायक मुकाबले में भारतीय टीम को 21 रन से हार का सामना करना पड़ा और इस हार के साथ इंडिया को इस सीरीज को भी गंवानी पड़ी। वही मैच के बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा से हार का कारण पूछा गया तो उस पर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हम इस हार से काफी ज्यादा निराश हैं। हमें सूर्या की इस तरह की बल्लेबाजी का उम्मीद नहीं थी। सूर्या ने इस सीरीज में अपना खाता तक नहीं खोल पाया है। हमें ये नहीं पता था कि सूर्यकुमार यादव इस बार भी डगआउट का शिकार हो जाएंगे। हालांकि आगे उन्होंने कहा है कि हार जीत तो खेल में चलता रहता है और अब हम सूर्यकुमार यादव की जगह ओडीआई में संजू सैमसन को मौका देना बेहतर समझेंगे। तो दोस्तों, आपके राय में संजू सैमसन को ओडीआई टीम में सूर्या की जगह शामिल करना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।